मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसटी एजुकेशन में। हमने कल बारहवीं के आवयव के बारे में चर्चा किए थे, हमने उसको समझा था आवयव क्या है, आवयव के प्रकार क्या होते हैं। हमने देखा था कोई भी आवयव एन क्रम का होता है या कोटि का होता है, ये हमने बताया था काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने उसका एक प्रश्नावली का 3.1 का एक क्वेश्चन भी हल किया था। उस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए हम वो देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं 3.1 का प्रश्नावली जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है किसी आवयव में 24 अवयव हैं, देखिएगा किसी आवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है। प्रश्न एक बार पुनः पढ़िए, किसी आवयव में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियां क्या है। प्रश्न में एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, तो अगर यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, यानी 24 का निकाल लेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 13 में क्या होगा। तो देखते हैं कैसे अवयव दिए रहने पर कोट निकालते हैं और कोट दिए रहने पर अवयव निकालते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या काम करते हैं, जितने अवयव होते हैं उनके हर संभव गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे यहां हल करेंगे तो लिखेंगे 24 का सभी गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 होगा, अर्थात 24 के सभी गुणखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14 होगा। अब हमें बताना है उसकी संभव कोटियां, तो संभव कोटियां बताना यहां पर जब हम उसके सभी गुणखंड लिख लेंगे ये बहुत आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां, लिखेंगे यहां हम लोग संभव कोटियां बराबर, तो इसमें हम इसका इसमें जो हमारा जो भी होता है कोट या क्रम एक ही होता है। हम लोग कल पढ़े थे कि कोट किसी भी आवयव का कोट या जो क्रम होता है वह एम गुणे एन होता है, एम गुणे एन होता है। तो हम इस क्रम में करेंगे तो पहली जो कोट होगी वह हो जाएगा 1 गुणे 24 या एम गुणे एन, यानी जो गुणा होता है उपक्रम मिलने नियम का पालन करता है, तो इसको हम 24 गुणे 1 भी कर सकते हैं। तो ये 2 हो गई कोटियां, पुनः इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12, फिर इसका भी क्रम बदल सकते हैं तो हो जाएगा 12 गुणे 2 इसका हो गया। अब पुनः इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3, अगला हो जाएगा 6 गुणे, ये 6 गुणे 4 हो गया, अगला हो जाएगा 6 गुणे 4। अब हम देख रहे हैं कि 24 का सबसे पहले गुणखंड ये सभी गुणखंड क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 हुआ था। हमें ज्ञात करना था इसकी संभव कोटियां कितनी होती है, तो हमने यहां लिख दिया कि 24 लिख सकते हैं, यहां 24 का सभी संभव कोटियां, तो हमने दिखाया कैसे होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 1 गुणे 24। हमने कहा कि 1 गुणे 24 को 24 गुणे 1 भी लिखा जा सकता है, इसका 2 हो गया यहीं से। फिर हमने 2 का 12 भी किया तो 12 गुणे 2 भी कर दिया, फिर 3 का 8 भी किया, 3 गुणे 8 हुआ तो 8 गुणे 3 भी कर दिया। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने हल किया। तो आपने देखा प्रश्न ये था किसी आवयव में 24 अवयव है तो उनकी संभव कोटियां क्या है, यदि इनमें यहां तक तो 1 हमारा सवाल हो गया। और इसी प्रकार जो सवाल नंबर इसी का सेकंड पार्ट है वो है 13, पर यदि इनमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी, तो देख सकते हैं यहां तथा करके 13 का
सभी गुणनखंड तो सभी गुणनखंड हो जाएगा एक और तेरह ही होगा, तो एक ही तेरह होगा, तो बस लिख सकते हैं संभव कोटियां, संभव कोटियां जो होंगी वो हो जाएगा एक गुणे तेरह या तेरह गुणे एक, यानी इसका बस इतना ही आंसर होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा और आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, काफी आसान था। तो अब हम किसी का दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या है तो देखिए, एक दो गुणे दो, यानी यह हमारा क्रम है, दो गुणे दो यह क्रम है, दो गुणे दो आव्यूह ए बराबर ए आई जी की रचना कीजिए, यानी हमें एक आव्यूह की रचना करना है जिसका क्रम दो गुणे दो है, जिसके अयव निम्नलिखित हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी यहाँ दिया गया है हमारे पास तीन प्रश्न हैं और इन तीनों के लिए हमें एक दो गुणे दो क्रम के आव्यूह को ज्ञात करना है। ये दो गुणे दो जो क्रम दिया हुआ है क्या, उसको देखते हैं तब हम सवाल करते हैं। तो पहले यहां देखिए, दो गुणे दो क्रम का मतलब होता है कि ऐसे आव्यूह जिनमें दो पंक्ति हो और दो ही स्तंभ हो। तो दो गुणे दो क्रम आव्यूह को हम अगर ज्ञात करना हो तो उसके अयव मानना हो तो हम मानेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, यानी यह दो गुणे दो, ये तो मान लिए। इसको ज्ञात कैसे किया जाएगा आपको अभी बताएंगे। तो ये दो गुणे दो क्रम का हो गया। यही अगर आपका तीन गुणे दो क्रम का पूछे तो इसमें देखिएगा, तीन गुणे दो क्रम में जो तीन है वह पंक्तियों की संख्या है और दो स्तंभ है, यानी ऐसे आव्यूह की रचना करना है जिसमें तीन पंक्ति हो और दो स्तंभ हो, तो उसके एलिमेंट मानना हो तो हम मानेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। अब इसमें देखिए, ये हमारा कॉलम वन हो गया, ये कॉलम टू हो गया, ये हमारा रो वन, रो टू, रो थ्री। इसमें हम देख रहे हैं इसमें तीन पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है, तो ये हमारा हो गया दो गुणे तीन क्रम का और ये हो गया दो गुणे दो। ये तो हमने समझा कि दो गुणे दो क्रम क्या होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चार को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमने लिखा यहां सोल्यूशन, हमें दो गुणे दो क्रम का ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे, माना दो गुणे दो क्रम का आव्यूह ए बराबर ए आई जे बराबर दो गुणे दो का है, तो उसको मान सकते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये तो हम मान लिए। अब हमारा सवाल नंबर एक के लिए निकालना है। तो सवाल नंबर एक हमारा क्या है, तो सवाल नंबर एक दिया है हमारा ये है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल वर्ग बटे में टू, इसी के लिए निकालना है। तो हमें निकालना है क्या, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। अगर ये ज्ञात कर लेते हैं, इनके मान को ले जाकर यहाँ पुटअप कर देंगे तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वही प्रश्न नंबर एक के लिए दो गुणे दो क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले देखते हैं कि वन वन, अर्थात वन वन ज्ञात करना होगा तो आई के जगह पर भी वन रखेंगे और जे की जगह पर भी वन लिखेंगे, तो जो मान यहां रखेंगे वही मान को यहाँ पुटअप करना है। तो पहले हम निकालते हैं वन वन, तो ए वन वन मतलब आई मैंने भी वन रखा गया है, जे मैंने भी वन, तो यहाँ आई की जगह पर भी एक रखेंगे और जे की जगह पर एक रखेंगे और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे और बटे में दो है तो दो रखेंगे। आगे हल करेंगे तो एक एक को जोड़ेंगे दो होगा, दो का वर्ग करेंगे आप चार हो जाएगा, यानी चार बटे में दो, इसको छोटा करेंगे तो दो हो जाएगा, यानी हम ए वन वन दो निकला। अब हम निकालेंगे यहां ए वन टू, ए वन टू देखिए कैसे निकलता है। ए टू वन का मतलब हो गया, इसी में रखेंगे,
ए टू वन का मतलब होगा कि आई की आई का जो वैल्यू है वन है और जे का जो वैल्यू है टू है, तो इसके जगह पर रखे हैं तो वो मान यहाँ पुट अप करेंगे, तो आई की जगह पर रखेंगे हम वन और जे की जगह पर रखेंगे टू और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे बटे में दो। आप नीचे देखिएगा वन और टू को ऐड करेंगे थ्री होगा, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है यानी नाइन अपान टू हो गया। आगे जब देखेंगे अब हमें निकालना है ए टू वन, ए टू वन जब निकालेंगे तो आई की जगह पर आप दो रखेंगे, जे की जगह पर के रखेंगे, यही हमारा मान है इसलिए फिर रखेंगे, तो आई की जगह पर दो रखते हैं और जे की जगह पर वन रखते हैं और बटे में टू है और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी जोड़ते हैं टू वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा नाइन अपान टू और लास्ट में हमें निकालना है ए टू टू, तो ए टू जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए टू टू का वैल्यू निकालेंगे तो आई की जगह दो ही रखेंगे और जे की जगह दो रखेंगे तो ये हो जाएगा दो प्लस दो और स्क्वायर तो स्क्वायर और बटे में दो। हल करिएगा दो और दो को जोड़ेंगे चार होगा, चार का वर्ग होता है सोलह, सोलह बटा दो यानी इसका सिंप्लीफाई करेंगे आठ। अब यहां लिखेंगे अतः दो गुणे दो क्रम आगे होगा तो अब यहां लिखेंगे ए बराबर ए वन वन निकाला गया है टू तो टू हो जाएगा, यहाँ ए वन टू निकाला गया है नाइन अपान टू तो नाइन अपान टू होगा और यहाँ निकाला गया है टू वन तो टू वन हो जाएगा नाइन अपान टू ही और ये निकाला गया है आपका एट तो एट हो जाएगा, ये यही हमारा हो गया आंसर। ठीक तो हमने देखा पुनः एक बार थोड़ा देख लीजिए, हमें ज्ञात करना था दो गुणे दो के लिए ये हमारा प्रश्न, इसके लिए अभी क्वेश्चन करना था चूंकि हमको दिया है प्रश्न नंबर एक तो आई जे के लिए हमें ये आवयव ज्ञात करना है, दो गुणे दो क्रम का है तो हमने मान लिया कि जो दो गुणे दो क्रम का आवयव होगा ये होगा हमारा। अब प्रश्न एक के लिए हमें ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ज्ञात करना है, तो हमने इसको कैसे ज्ञात किया आपने देखा और किस तरह से हमने आवयव की रचना की ये हमारा आंसर हो गया। जिस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ है ठीक उसी प्रकार इसमें और दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या ये आप क्वेश्चन बना लिए कि नहीं बनाए, नहीं बना तभी कमेंट करिएगा और बन गया तभी कमेंट करिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो फोर था ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इसका क्रम बदल गया है। प्रश्न है तीन गुणे चार यानी तीन गुणे चार क्रम के आवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, और प्रश्न नंबर एक ये है और इसमें भी प्रश्न नंबर दो ये है, तो इसको देखते हैं ये क्रम है। अभी इसके बारे में हमने समझाया अगले प्रश्न में कि क्रम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ भी हम पहले मान लेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका और मान लिया जाएगा माना तीन गुणे चार क्रम का आवयव। अब इसमें तीन गुणे चार क्रम का मतलब होता है कि इसमें तीन पंक्ति होगी और चार स्तंभ होंगे, तो चार स्तंभ माने हो गया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री और ए वन फोर, यानी जो लास्ट वाला होता है ये वन पंक्ति बता रहा है और ये वन टू थ्री फोर ये स्तंभ बता रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा पंक्ति ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर, यहाँ हो जाएगा ए थ्री वन, ये हो जाएगा आपका ए थ्री टू ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर, इसे ही हम कहेंगे तीन गुणे चार क्रम का आवयव। लेकिन इसे ज्ञात किसे करेंगे तो सवाल नंबर एक को लेते हैं, सवाल नंबर एक हमारा है ए आई जे वन अपान टू मार माइनस थ्री आई प्लस जे, तो इसी के लिए हमें इन्हें जो हमारे 12 एलिमेंट्स अवयव होंगे हमें ज्ञात करना होगा, इसका प्रोसेस ज्यादा है एक एक को समझते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, एक समझिए और दूसरा आप खुद करिएगा।
तो देखिए यहां से क्रम से ज्ञात करते हैं, पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ A11 का मतलब, यहाँ फिर पुनः देखिए A11 का मतलब कि I के जो वैल्यू है 1 है, J का जो वैल्यू है 1 है, यानी इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mod -3 मल्टीप्लाई 1+1। जब इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 1/2, जब आप हल करिएगा इसे गुणा करेंगे तो -2 होगा, -3 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1। इसलिए आया कि जब मार को हटाते हैं तो मार का जो निगेटिव मान भी होता है वो भी आपका पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा -1। हमने तो निकाल लिया 1-1, अब निकालते हैं 1-2। जब 1-2 निकालेंगे तो 1-2 आपका हो जाएगा 1-2 बराबर, यानी इसमें हम रखेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1+2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ भी मार हटाएंगे तो -1 का जो वैल्यू होगा वो +1 हो जाएगा, तो इसमें गुणा करिएगा तो आपका 1/2 प्राप्त होगा। ये निकाल लिया गया, और हम निकालते हैं यहाँ A13 निकालेंगे, 1/2 मार -3 मल्टीप्लाई 1+3, इसको हल करिएगा 1/2, इसमें हल करेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे यानी 0 हो जाएगा, जब 0 होगा तो मार 0 का गुणन 0 होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट होगा 0। अब हम निकालते हैं यहाँ 1/4, तो 1/4 का मान जब रखेंगे बस इसमें रखते जाना है -3 मल्टीप्लाई 1+4, हल करिएगा इसका आएगा 1/2 घुड़े, इसको हल करेंगे 3, और 3 में जब हम -3 में 4 जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो हल करिएगा तो इसका आएगा 1/2। हमने देखा कि A11, 12, 13, 14 निकाला, ये निकल गया, उसी प्रकार से ये निकालेंगे तो A21 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है कि I की जगह पर 1 रखना है, I की जगह पर 2 रखना है, और J की जगह पर 1 रखना है, तो रखते हैं, यहाँ हो जाएगा -3 × 2+1, हल करेंगे तो 1/2 तो ये है तो रहेगा ही रहेगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, -6, और -6 में 1 ऐड करेंगे तो -5 होगा, क्योंकि मार्ड है, मार्ड हटाएंगे तो +5 हो जाएगा, गुणा करिएगा तो हो जाएगा 5/2। अब यहाँ हम निकालेंगे A22 का मतलब होता है कि I का जो वैल्यू होगा वो भी 2, और J का मान होगा वो भी 2 ही होगा, तो हम देखते हैं यहाँ 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2+2, हल करेंगे 1/2, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, और -6 में जब हम 2 को ऐड करेंगे, जो 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और -4 का मान हटाएंगे तो हो जाएगा +4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हम निकालते हैं यहाँ A23 निकालेंगे तो 1/2 I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पर 3 रखेंगे, यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, -6 में 3 ऐड करेंगे -3 होगा, मान हटाएंगे तो +3 हो जाएगा यानी इसका 1 हो जाएगा। यहाँ निकालते हैं A24 का मतलब हो गया कि इसमें I की जगह पर हम 2 रखेंगे और J की जगह पर 4 रखेंगे, हल करेंगे 1/2, ये सारी गलत हुआ है, यहाँ 2 रहेगा यानी 3/2 हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 यानी 1 आएगा। तो हमने यहाँ A24 तक मान निकाल लिया, अभी हमें 31, 32, 33, 34 का निकालना है, तो उसको इधर हम देख लेते हैं, तो यहाँ निकालेंगे हम A31 का जो वैल्यू होगा, यानी I का वैल्यू रखना है 3 और J का मान रखना है 1, तो इसमें रखते हैं तो 1/2
माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तितली के नौ, और नौ में जब एक ऐड करोगे प्लस तो हो जाएगा माइनस आठ, और माइनस आठ में आठ हटाया जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा फोर। अब हमें निकालना है ए बत्तीस, ए बत्तीस एक बटा दो माइनस तीन गुणे, जहां दो रखा जाएगा तीन रखा जाएगा प्लस दो, आगे हल करिएगा एक बटा दो हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तितली के नौ, और नौ में दो ऐड करेंगे तो माइनस सात होगा, माठ हटाएंगे तो प्लस सात, यानी सात बटा दो। अब हम निकालेंगे ए थर्टी थ्री, ए थर्टी थ्री का मान हो जाएगा एक बटा दो माइनस तीन गुणे तीन प्लस थ्री, ये हो जाएगा तितली के नौ, और नौ में तीन जोड़ोगे तो माइनस छ, और मान हटाया जाएगा तो प्लस छ हो जाएगा, यानी एक बटा दो गुणे प्लस छ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा आपका थ्री। और हमें निकालना है ए थर्टी फोर, एक बटा दो माइनस तीन मल्टीप्लाई तीन प्लस फोर, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो, और तितली के नौ, और नौ में हम जोड़ेंगे फोर तो माइनस फाइव होगा, मार हटाएंगे तो प्लस फाइव, आने हो जाएगा फाइव अपान टू। अब हमने देखा कि सारे एलिमेंट को निकाल लिया, अब यहाँ लिख सकते हैं अतः तीन गुणे चार क्रम का आव्यूह ए बराबर, यहां लिख देते हैं, तो हम यहां से ज्ञात किए हैं तो हो जाएगा एक, एक बटा दो जीरो, एक बटा दो, यहां पांच बटा दो दो, तीन बटा दो एक, यहां है चार सात बटा दो तीन, पांच बटा दो, ये हमने इस तरह से आंसर प्राप्त किया। तो ये हमारा रहा प्रश्न नंबर फाइव का सोल्यूशन, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, यहाँ से परीक्षा में एक दो नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर अब छ देखते हैं, जो प्रश्न नंबर छ है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कई बार बोर्ड में पेपर में एक सवाल पूछा गया है, इसमें से दो या एक नंबर का प्रश्न आता है, तो देखिए दो और एक नंबर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एक नंबर इंटरमीडिएट में परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। इसमें समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि यदि आप दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उनके संगत जो अवयव होते हैं वो भी बराबर होते हैं, अगर संगत अवयव बराबर नहीं है तो वह आव्यूह आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, जब दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत मान भी आपस में बराबर होगा। जैसे हम सवाल नंबर एक को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर एक को सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं, सवाल नंबर जो एक है उसका सोल्यूशन लिखिएगा, फोर थ्री एक्स फाइव, जो आव्यूह ये है वह दूसरे आव्यूह वाई जेड वन फाइव के बराबर है। हमने कहा कि यदि दो आव्यूह परस्पर समान हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे पहले आव्यूह का जो पहला तत्व है उसका संगत तत्व यानी अवयव ये होगा, यानी ये इसके बराबर होगा, यहाँ फोर है यहाँ वाई है, तो इसका मतलब कि वाई के जगह पर अगर ये दोनों बराबर हैं तो फोर होना चाहिए, तो इस तरह से वाई का जो मान है वो फोर हो गया। अब देखते हैं यहाँ थ्री है तो यहाँ जेड है, तो इसका मतलब यहाँ थ्री है तो जेड की जगह पर भी थ्री होना चाहिए, इस तरह से जेड का मान आपका थ्री हो गया। अब यहाँ एक्स है तो इसका संगत ये होगा, इस तरह से आपका एक्स का वैल्यू वन हो गया। देखिए यहाँ फाइव है, देखिए ऑलरेडी यहाँ फाइव दिया है, ठीक। तो इस तरह से हमने एक्स वाई जेड का मान ज्ञात किया, ये तो बेहद आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं, वो आपको
थोड़ा सा इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो परीक्षा में आ सकता है। तो प्रश्न नंबर दो देखते हैं इसका, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको हमने संगत तत्व को समान दिखाया, सेम वही काम करेंगे यहाँ। तो देखिए आयु जो पहला आयु है वो है एक्स प्लस वाई, दो पांच प्लस जेड, और यहां दिया हुआ है एक्स वाई। ये जो आयु है इस आयु वाली छ दो पांच आठ के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ एक्स वाई है तो इसका जो संगत तत्व है वो छ है, तो x प्लस वाई छ के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर छ, चूंकि यह संयुक्त चर है तो इसमें इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। यहाँ टू है तो टू है, कोई बात नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि फाइव प्लस जेड है, तो जो इसका संगत है दोनों का वो फाइव है, तो ये फाइव प्लस जेड क्यों फाइव के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब देखते हैं एक्स वाई, एक्स वाई जो है वो आठ के बराबर है, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर आठ, ये बन गया समीकरण नंबर तीन। अब यहां से तीनों समीकरणों को जैसे भी हो हम अपने अपने तरीके से हल कर सकते हैं और यहां से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं समीकरण दो से, समीकरण दो से, यानी समीकरण दो को जब हल करेंगे तो जेड का मान निकालेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा फाइव माइनस फाइव, अर्थात ये जेड बराबर करेंगे इस उत्तर पछाड़ करेंगे तो जेड का मान आ गया जीरो। जब जेड का मान जीरो आ गया, अब हम जेड का मान जब जीरो निकाल लिए, अब हमें निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इन दोनों को हल करेंगे। तो अब इन दोनों को देख रहे हैं कि यहाँ एक्स वाई गुणनफल के रूप में है और यहाँ प्लस के रूप में है, तो यहाँ से हमारा जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण तीन से, समीकरण तीन से हो जाएगा वाई बराबर आठ बटा एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। जब रखते हैं मान तो देखते हैं क्या होता है, हमने लिखा है कि समीकरण तीन, समीकरण तीन हमारा ये है, यहाँ से y का जब वैल्यू निकालेंगे तो y को पछा x को पछातर करेंगे तो आठ बटा हो जाएगा, इसका मान ले जाएगा समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण एक देखते हैं यहाँ x है तो x रहेगा प्लस y के वैल्यू है हमारा एट अपान एक्स बराबर सिक्स। अब इसको जब हम हल करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट अपान एक्स बराबर छ, या इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू सिक्स एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस आठ बराबर जीरो। ये इस तरह से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसको आगे हल करते हैं, तो इधर इसको देखते हैं हम हल करते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब आप अपने तरीके से हल करते रहिएगा, आप पर इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको द्विघात समीकरण आता होगा। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इजकल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स जब कॉमन करिएगा तो एक्स माइनस फोर होगा, यहाँ से माइनस टू कॉमन करिएगा एक्स माइनस फोर होगा बराबर जीरो, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर चार और एक एक्स बराबर दो। इस तरह से यहाँ से एक्स के वैल्यू दो हुए, जब हमें एक्स का वैल्यू दो प्राप्त हुए तो जब एक्स का दो मान रखेंगे तो वाई का भी मान दो प्राप्त होगा। तथा अब यहाँ लिख सकते हैं अतः वाई बराबर, अगर हम वाई एक्स बराबर यहाँ चार रखते हैं तो वाई बराबर हमारा दो आएगा, अगर हम यहाँ से एक्स बराबर दो रखते हैं तो y बराबर चार आएगा। तो हमने इस तरह से देखा x y z का मान ज्ञात करना। तो इसमें हमने देखा है यहाँ से हमने निकाला ये हमारा निकल गया z का मान, यानी z का मान जीरो आ गया। हमने समीकरण तीन से हल किया, समीकरण तीन से y का मान निकाला और इसके मान को लिया करके समीकरण एक में रखा। तो इस तरह से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ और द्विघात समीकरण को हमने हल किया
तो x के दो मान निकले, जब x के दो मान निकले हैं वह मान आपका समीकरण एक में या समीकरण तीन में रखा जाएगा, तो y के दो मान प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमारा जो हुआ प्रश्न नंबर जो छ है उसका दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो प्रश्न नंबर एक और दो को कर लिए, अब हम लोग देखते हैं तीन को, तब इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया, अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर जो तीन है उसको देख लेते हैं यहाँ, वह है आव्यूह एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स, ये बराबर है 9, 5, 7 के। यानी इसमें यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें स्तंभों की संख्या एक है, इसलिए दोनों स्तंभ आव्यूह हैं। कल हमने आव्यूह के प्रकार को पढ़े थे, तो इसमें हम हल करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो एस एल तो हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 7। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। यहां लिखेंगे कि समीकरण एक व तीन से, एक व तीन से देखिए क्या करते हैं। जो एक और तीन में आप देख रहे हैं कि y प्लस जो x का मान 7 है, तो यहां आपका समीकरण एक में x प्लस वाई है, x प्लस वाई बोलिए, चाहे उसे y प्लस एक्स हो सकते हैं, इसके जगह पर हम 7 रखेंगे समीकरण तीन से, तो 7 हो जाएगा आप प्लस जेड, यानी जेड बराबर 9, यानी हम कह सकते हैं कि जेड का वैल्यू आ गया 2। इस तरह जेड का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यहां हम लिखेंगे जेड बराबर, जेड बराबर 2, जेड बराबर 2 का मान समीकरण दो में रखने पर, जेड बराबर दो का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो यहां तो रखेंगे एक्स प्लस जेड बराबर 2 हो जाएगा बराबर 5, अर्थात एक्स का मान निकल गया 3, एक्स का मान निकल गया। अब यहां लिखेंगे एक्स बराबर, देखते हैं अब यहां एक्स बराबर 3 का मान समीकरण हम रखते हैं तीन में, अब निकालना है वाई का मान, तो रखते हैं एक्स बराबर 3 का मान समीकरण तीन में रखने पर, रखते हैं तो यहां देखते समीकरण तीन है यहां, तो वाई प्लस एक्स बराबर 3 बराबर 7, यानी वाई बराबर हो जाएगा 4। इस तरह से हमने देखा कि एक्स का मान 3 आया, वाई का मान 4 आया और जेड का मान 2। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया, तो आप इसको नोट करिए। एक और प्रश्न है उसको बताते हैं, तब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस जेड बराबर माइनस 1, 5, 0, 13। इसके लिए हमें a b c d का मान ज्ञात करना है। हमने अगले प्रश्न नंबर 6 में देखा था एक्स वाई जेड का मान निकालना, और यहाँ ए बी सी डी का मान निकालना है। इसमें और अगले जो सवाल बताया था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम इस सवाल को भी देखते हैं। तो जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसके भी संगत जो अवयव होंगे वो बराबर होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बराबर माइनस 1, समीकरण नंबर 1, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण दो बना देंगे, 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण हमारा तीन बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13, ये हमारा समीकरण 4 बन जाएगा। अब इन्हीं को क्रमशः हल करना है और a b c d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण एक व तीन से, समीकरण एक और तीन से, समीकरण एक ये है तीन ये है, तो समीकरण तीन से लिखे हैं तो हम क्या काम करेंगे कि समीकरण एक से तीन को घटाएंगे,
चाहे यहां लिख सकते हैं समीकरण एक में से तीन को घटाने पर, घटाते हैं तो घटाएंगे, समीकरण एक है तो हो जाएगा a माइनस बी, इसको घटाना है, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2a, जब घटाएंगे तो प्लस भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस जीरो, जब हल करेंगे तो a a में माइनस a से माइनस 2a घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस a और ये कट के खत्म हो जाएगा माइनस वन, अर्थात a का मान निकल जाएगा आपका वन। हमने देखा यहाँ से वन का मान निकल गया, ये मान ले जाकर के हम समीकरण दो में रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो यहाँ रखते हैं a बराबर एक का मान समीकरण दो में रखने पर, रखते हैं जब समीकरण दो में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा दो गुणे वन प्लस सी इजकल टू फाइव, यानी सी का जो मान होगा जब इसका गुणा करेंगे दो हो जाएगा, दो को पछांतर करेंगे घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री, यानी सी का भी मान निकल गया। अब हम यहाँ पुनः रख सकते हैं ए बराबर एक का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर तो तीन हमारा ये है तो रखते हैं यहां, तो हो जाएगा दो गुणे ए का जो मान है एक है माइनस बी बराबर जीरो, तो आप हल करेंगे तो माइनस बी बराबर, इसको पछांतर करेंगे तो माइनस दो हो जाएगा, यानी बी बराबर आपका दो हो जाएगा, बी का भी हो गया। अब हमें निकालना है डी का मान, तो यहां रखेंगे तथा करके तथा सी बराबर तीन का मान समीकरण, सी बराबर तीन का मान समीकरण चार में रखने पर, चार में रखने पर रखते हैं तो तीन गुणे सी का मान है तीन, फिर रख दिए प्लस डी बराबर तेरह, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ हो जाएगा प्लस डी बराबर तेरह, तो डी बराबर हल करेंगे तो तेरह माइनस नौ यानी डी बराबर चार आ गया। हमने देखा कि यहाँ से ए बी सी डी का मान निकाल लिया और इस तरह से जो हमारी 3.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई। अब आप में इसमें तीन प्रश्न और बच रहे हैं, आठ नौ दस तीन प्रश्न बच रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इसको हल करिएगा। यदि यह प्रश्न नहीं आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपका नहीं आया है और किसका किसका आया है। तो इस तरह से आज हमने 3.1 को हल किया, देखा आप इस सवाल को एक एक पॉइंट को देखिए, यहाँ से हमने पहले ही बताया कि परीक्षा में एक से दो नंबर आना ही आना है। तो अगला जो हमारा प्रश्नावली है उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, और समझ में आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से बताइए कि नहीं क्लास हो रहा है, घर बैठे बैठे इन वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद।